नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। जनपद पौड़ी गढ़वाल में आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर जनपद के समस्त सरकारी गैर सरकारी विद्यालयों एवं संस्थाओं में प्रातः 9 बजे कलेक्ट्रेट परिसर में प्रातः 9:30 पर ध्वजारोहण किया गया। इससे पूर्व जिलाधिकारी गढ़वाल डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे द्वारा अपने कैंप कार्यालय में ध्वजारोहण किया गया। इसके पश्चात उन्होंने कंडोलिया स्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित की। जिलाधिकारी ने जनपद प्रदेश एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। जिलाधिकारी ने कैंप कार्यालय व कलेक्ट्रेट परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम समारोह में जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर शुभकामनाएं प्रेषित की। जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि देश ने आजादी के 75 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं और 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। इस उपलक्ष्य में देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन की यादों से जुड़ी विभिन्न यादगार पहलुओं, छुए अनछुए पहलुओं को भी लोगों के समक्ष सार्वजनिक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पौड़ी में लगभग 1,60,000 झंडों को घर घर वितरित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस के बाद झंडों को तहसील, ब्लॉक व पंचायत स्तर पर एकत्रित कर संग्रहित किया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर जोगदंडे ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब सभी लोग उनके बताए हुए आदर्शों पर चलेंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत जनपद में विभिन्न विभागों द्वारा 111 अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा है, जिनमें से 75 का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है व 45 विभागीय पोर्टल पर अप टू डेट किए जा चुके हैं। जनपद के अलग अलग विकास खंडों में अमृत सरोवर पर आज ध्वजारोहण, विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष पौड़ी यशपाल बेनाम ने आजादी की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमारा देश आज आजादी की वर्षगांठ मना रहा है, जिससे सभी लोग बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों के अमूल्य योगदान को भूलना नहीं चाहिए जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर लिए थे। उन्होंने इस अवसर पर उत्तराखंड राज्य निर्माण से जुड़े आंदोलनकारियों को भी याद किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने उपस्थित लोगों को पर्यावरण संरक्षण व प्लास्टिक उपयोग न करने की शपथ भी दिलाई। आयोजित कार्यक्रम में जनपद के अंतर्राष्ट्रीय आर्चरी पदक विजेता मोहन भारद्वाज व वर्ल्ड यंगेस्ट साइक्लिस्ट हिमालय से लद्दाख तक की साइकिल यात्रा करने वाले सिद्धार्थ रावत को जिलाधिकारी व खेल विभाग की तरफ से 10,000 का नगद पुरस्कार व स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। इसके अतिरिक्त कार्यक्रम में पर्यटन विभाग की ओर से बर्ड वाचिंग कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। आयोजित कार्यक्रम में 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों की फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर गार्गी कुमाई, द्वितीय स्थान पर आयुषी, तृतीय स्थान पर आरओ रहे, जिन्हें पुरस्कृत किया गया। साथ ही शिक्षा विभाग द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित निबंध व चित्रकला प्रतियोगिता के प्रतिभागियों को भी पुरस्कृत किया गया। आयोजित कार्यक्रम में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा तैयार किए गए जूट के थैले भी वितरित किए गए, जिससे प्लास्टिक के उपयोग को रोका जा सके। कार्यक्रम के पश्चात जिलाधिकारी ने प्लास्टिक उपयोग नियंत्रण उन्मूलन व जन जागरूकता से संबंधित वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके माध्यम से जनपद में अलग अलग स्थानों प्लास्टिक उपयोग न करने के संबंध में जन जागरूकता संदेश दिया जाएगा। इस अवसर पर छात्र छात्राओं एवं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने सांस्कृतिक व देशभक्ति कार्यक्रमों की रंगारंग प्रस्तुति दी, जिसे भी छोटे बच्चे द्वारा अलग अलग स्वतंत्रता सेनानियों के पात्रों का सजीव चित्रण किया। न्यूज 9 भारत के लिए वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जनपद ने विभिन्न कार्यक्रम किया है। जनपद मुख्यालय पौड़ी, यहाँ पर हमने आज ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया। इस कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्री बेनाम जी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष यशपाल नेगी जी, तंका जी और समस्त अधिकारीगणों ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में बच्चों के माध्यम से भी विभिन्न सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ किया। संस्कृति विभाग के विभिन्न दलों ने भी यहाँ प्रस्तुत किया और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सभी अतिथिगणों के द्वारा इस अवसर पर देश के जो सम्मान चिन्ह हैं, प्रतीक हैं, इनके बारे में अपनी बात को रखा। देश को आज़ादी प्राप्त करने में जिन महान व्यक्तियों ने अपने प्राणों की आहुति दी है, उनको स्मरण किया गया, उनको नमन किया गया और साथ में देश के जो युवा हैं उनसे अनुरोध किया गया कि देश को प्रगति के पथ पर आगे बढ़ाना है और किस दिशा में उनको मेहनत करने की आवश्यकता है, इसके बारे में अवगत कराया गया। सभी कार्यक्रम जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ।
इस अवसर पर मैं जनपद में विभिन्न कार्यक्रम भी और कर रहे हैं, जिसमें हमने 1,60,000 झंडों को घर घर तक घर घर तिरंगा अभियान में वितरण किया है। उसके सम्मान को बनाए रखने के लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि कार्यक्रम समाप्ति के उपरांत उसको तहसीलों में या विकास खंडों में या अपने आवास पर संग्रहित किया जाए, संकलित किया जाए, सुरक्षित। जनपद में 111 अमृत सरोवर बनाए गए हैं, उसके लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं कि सभी अमृत सरोवर समय से पूर्ण हो जाए। वर्तमान तिथि तक आज तक 45 अमृत सरोवर पूर्ण किए जा चुके हैं, जहाँ पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मैं स्वयं अभी घंडियाल ग्राम पंचायत में अमृत सरोवर के स्थान पर ध्वजारोहण करने आगे जा रहा हूँ और सभी नागरिकों से अनुरोध है कि इस दिवस को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं, सौहार्द के साथ मनाएं और देश की अखंडता और एकता को बचाए रखने के लिए जो जो प्रयास हमें करना आवश्यक है उस प्रयास को करने का मैंने सबसे अनुरोध किया है। इस अवसर पर मैं जनपद के सभी नागरिकों को शुभकामनाएं देता हूँ और देश को आगे बढ़ने। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता, सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहेंगे इजाजत, नमस्कार।